नमस्कार। कक्षा 8 एक्सरसाइज 3.3 प्रश्न 7 हम करने जा रहे हैं। संलग्न आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए हुए गुणों को बताइए। तो देखिए बच्चों, ये प्रश्न बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको ध्यान से याद रखना होगा, समझना होगा। सबसे पहले देखिए EH और OP ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं और यह एक तिर्यक रेखा है, तो ये 40 डिग्री का कोण और ये कोण Y, ये कैसे हो गए? देखिए इस प्रकार से दो समांतर रेखाएं हैं, इस प्रकार से एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण, ये कैसे कोण है? एकांतर अंतः कोण है। इसका अर्थ यह है कि वाई 40 डिग्री के बराबर होगा, और हम इसका कारण क्या लिखेंगे? एकांतर अंतः कोण। ठीक है बच्चों, तो इससे हमारे पास वाई आ गया है 40 डिग्री। इसके बाद हम देखेंगे EH और OP, दोबारा से EH और OP, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये HO इनकी बीच की तिर्यक रेखा है इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा कोण यानी 40 प्लस Z वाला, ये पूरा कोण, और इधर से ये कोण 70 डिग्री वाला, ये बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये कैसे कोण है? संगत कोण है। समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा पर ये संगत कोण बनाते हैं, तो ये बराबर होंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 40 डिग्री प्लस जेड डिग्री, 40 प्लस जेड बराबर होगा 70 डिग्री के। क्यों होगा बराबर? क्योंकि ये रेखाएं समांतर हैं, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा के साथ संगत कोण बना रहे हैं, इसलिए यहाँ से Z किसके बराबर आ जाएगा? 70 डिग्री, 40 डिग्री इसके साथ प्लस हो रहा है उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो Z बराबर 70 डिग्री में से 40 डिग्री माइनस कर दो, कितना बच गया? 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ है अभी तक हमारे पास, हमने Y का मान निकाल दिया है 40 डिग्री, Z का भी मान निकाल दिया है 30 डिग्री। अब हमारे पास बच गया है केवल x निकालना है हमें। अब आप दोबारा से देखिए HO रेखा और EP रेखा, ये दो रेखाएं आपस में इस प्रकार से समांतर हैं, यह इनके बीच की एक तिर्यक रेखा है, तो यह कोण और यह कोण, ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण हैं, इनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां पर ये वाला कोण 40 प्लस जेड, और यहां से ये वाला कोण एक्स, इन दोनों का जो योग होगा यह 180 डिग्री के बराबर होगा। यहां हम लिख देंगे कारण, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए क्या होगा, 40 डिग्री प्लस Z कितना आया है? 30, तो Z की जगह हम लिख सकते हैं 30 डिग्री, X हमें नहीं पता, बराबर 180 डिग्री। 40 प्लस 30 हो गया 70 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। अगले स्टेप में एक्स बराबर 180 डिग्री, 70 यहाँ प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, एक्स आ जाएगा 180 में से 70 माइनस कर दो, 110 डिग्री। तो देखा आपने, हमने एक्स वाई और जेड का मान निकालना था, तो ये हमारे पास y का मान आ गया, ये z का मान आ गया, और ये 110 डिग्री x का मान आ गया है, ये देखिए। ठीक है बच्चों,
तो इस प्रश्न में हमने तीन कोणों का माप निकालना था, वो हमने तीनों कोणों का माप इसमें निकाल दिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप बाकी प्रश्नों को भी वीडियोज़ में देखकर समझ सकें। धन्यवाद।